प्राइवेट पार्ट में खुजली मतलब कि इचिंग की प्रॉब्लम से अधिकतर मेंस एंड लेडीज दोनों ही परेशान रहते हैं। ये कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको होती है फंगल इन्फेक्शन की वजह से। देखिए ये फंगल ना बहुत ही संक्रामक होता है, फिर धीरे धीरे स्किन के कई हिस्सों में अपना घर बना लेता है। और ये जो इन्फेक्शन है फिर संक्रमण ना आपकी खोपड़ी मतलब कि जो आपका स्कैल्प है उसके ऊपर, आपके अंडर आर्म्स पे, आपके प्राइवेट पार्ट्स के बीच में मतलब इनर थाइस एंड आउटर थाइस के ऊपर, त्वचा के कुछ कुछ अलग हिस्सों में हो सकता है। दाग ना दिखने में लाल धारीदार खुजली वाली त्वचा हो सकती है, जिसका आकार ना आमूमन एक गोले की तरह होता है या फिर आपको रैशेस नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास मतलब कि जो आपका ग्रोइन एरिया होता है उसके आसपास में अगर आपको दांत खाज खुजली के अलावा फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप इसे कुछ होम रेमिडीज की हेल्प से खत्म कर सकते हैं, वो भी जड़ से। जी हाँ बिल्कुल। तो प्राइवेट पार्ट में होने वाली खुजली इचिंग या फिर आपके स्किन में कहीं पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका इलाज करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी हाइजीन पर ध्यान देना होगा। आप जो है सोप या फिर साबुन पानी की मदद से ये जो फंगल इन्फेक्शन है उसे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि दाद एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि फैलता है। आप अपनी जननांग के पास की जगह मतलब जो ग्रोइन एरिया है उसको एंटीबैक्टीरियल साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ करें, उसके बाद ही उसे अच्छे से सुखाएं, और उसके बाद ही ना आप जो होम रेमेडीज है उसको अपनाएंगे तो ज्यादा असर होगा। तो सबसे पहले आपको करनी है अपनी प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग, उसके बाद में आपको अपने प्राइवेट पार्ट के आसपास की सफाई करने के बाद में उसे अच्छी तरह से धोकर रखना है, उसे ड्राई। नेक्स्ट आपको इस्तेमाल करना है एप्पल साइडर विनेगर का। इसमें ना एंटी फंगल के गुण पाए जाते हैं जो दांत के इलाज में काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन आप कभी भी एप्पल साइडर विनेगर को ना डायरेक्ट इन्फेक्शन पर अप्लाई मत कीजिए, बल्कि कॉटन पैड को सिरके में भिगो दें और धीरे धीरे से संक्रमित जगह पर लगाएं। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप सेब के सिरके को दिन में 3 बार लगा सकते हैं, जिससे आपको 2 से 3 दिन में ही फंगल इन्फेक्शन ठीक होता हुआ नजर आएगा, वो भी परमानेंटली। नेक्स्ट आप एलोवेरा का इस्तेमाल करें। एलोवेरा में ना एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा को ठीक करने में हमारी हेल्प करते हैं। एलोवेरा ना त्वचा को ठंडा करता है और संक्रमित वाली जगह के आसपास होने वाली जो जलन है ना उसे कम करने का काम करता है। आप अच्छे रिजल्ट्स के लिए एलोवेरा जेल के पौधे से निकाला हुआ जो जेल है उसे अपने फंगस पर लगाएं, मतलब डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं जेल को, तुरंत ही आपको जो है ठंडाई महसूस होगी, जलन दूर होगी, खुजली भी कम होगी और इन्फेक्शन भी ठीक होता जाएगा। दिन में 3 से 4 बार आपको ये उपाय करना है। तीसरी वाली उपाय में आप मुलेठी पाउडर मतलब ये लिकोराइस पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों लिकोराइस पाउडर या मुलेठी में ना एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो कि आपके स्किन पे मौजूद फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल और इफेक्टिव होते हैं। इसके लिए आपको 1 कप पानी में 3 बड़े चम्मच मुलेठी का पाउडर मिलाकर 10 मिनट तक गर्म करना है। इसके बाद में जब ये ठंडा हो जाए तब आप इस पेस्ट को अपनी त्वचा पर जहाँ पे आपको इन्फेक्शन है वहाँ पर लगाएंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका इन्फेक्शन है बहुत जल्दी हील हो रहा है और जो आपको इन्फेक्शन में जलन खुजली की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाएगी, वो भी परमानेंटली, और दोबारा आपको कभी भी फंगल इन्फेक्शन खास करके प्राइवेट पार्ट्स में नहीं होगा। तो जो भी उपाय बताएं बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले आप हाइजीन का ख्याल रखें और दूसरी होम रेमिडीज़ को अपनाएं, आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो क्योर हो जाएगा।